नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। यूपी के कन्नौज जिले में बुधवार को समाजवादी पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे का शांति पाठ कार्यक्रम था। पूर्व विधायक अनिल दोहरे का 5 अक्टूबर को बीमारी के कारण लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में निधन हो गया था। आज उनके शांति पाठ में पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुखी परिवार से मुलाकात की। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले आजम खां को लेकर कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, आज नहीं तो कल आजम खां और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश की गई है, आज उसी षड्यंत्र का परिणाम है कि आज उन्हें इस तरीके से सजा का सामना करना पड़ा। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खां साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं उन तक ने कहा कि आजम खां साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का केस करनी पड़ रही है। गठबंधन के सवाल को लेकर अखिलेश ने कहा कि ये तो कांग्रेस को बताना है कि कैसे गठबंधन करना है। परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़कर शुरुआत की तो वो योगी जी ने। क्या मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी पर बैठे और उस मठ पर बैठे? उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई। अखिलेश ने आगे कहा कि कभी सुनने में आया कि मेरठ की एक फैक्ट्री में आग लग गई। सरकार कह रही है कि ये साबुन फैक्ट्री है, वो बीजेपी नेताओं की फैक्ट्री है। होगा नहीं, ये तो कांग्रेस को बताना है, कांग्रेस को कहना है कि कैसे गठबंधन आएगा। परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़के शुरुआत की तो योगी जी ने। आप बताइए, योगी जी के जो पहले थे उनका क्या रिश्ता था? तो परिवारवाद तो वहां से शुरू हुआ। तो यार दूसरे प्रदेश में चले गए, अपना नहीं देखोगे क्या? मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी बैठे और उस मस पे बैठे, उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई, दो हो लाभ, सोचिए। तो इसलिए बीजेपी का परिवारवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। कहा हर जगह ही अभी सुनने में आया, मेरठ में एक फैक्ट्री में आग लग गई और धमाके हुए, वहां जो रख रखा वो बचाव के लिए बुलडोजर गया, बुलडोजर भी उड़ गया होता, उड़ गया तो अच्छी बात है, इसे तो उड़ाना ही बुलडोजर को। और वहां पर सरकार क्या कह रही, साबुन की फैक्ट्री थी। अरे शैंपू से कब बिल्डिंगें उड़ने लगी हैं, साबुन से बिल्डिंग उड़ने लगेगी तो कोई साबुन से नहाएगा ही नहीं। अगर साबुन में ऐसा केमिकल है जो ऐसी आवाज करेगा या धुआं उड़ा देगा तो कोई नहाएगा ही नहीं, हर एक के बाथरूम से ऐसे धुआं निकलेगा। सरकार कह रही है वो साबुन है, साबुन की फैक्ट्री है। आप समझदार लोग हैं पत्रकार साथियों, वो साबुन की फैक्ट्री नहीं थी, वहां पर एमुनिशन या कुछ ऐसी चीज थी जो किसी न किसी चीज के काम आती, और वो किसी और की चीज नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्री थी। रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल काम करना, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे जो बहुत ही केमिकल्स जो खतरनाक है, हजारस केमिकल्स है। आजम खां साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो।
स्ट्रीट बस के लिए कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।